हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आप 8/20 NDPS एक्ट, अर्थात मान लेते हैं कि आपके पास से गांजा बरामदगी दिखाया जा रहा है, अगर आपके पास से गांजा बरामद हो रहा है और गांजा बरामदगी में आपको जेल भेज दिया जाता है तो आपको करना क्या चाहिए, अगर जेल से छूट गए हैं तो केस कैसे खत्म करना चाहिए, अगर आप जेल में बंद हैं तो बेल कैसे होगी, आपके घर का परिवार का दोस्त यार भाई भतीजा कोई भी इस केस में अगर जेल में है तो उसकी बेल कैसे होगी। मैं बात करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि NDPS एक्ट 8/20 धारा 8/20 में ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया, उसमें मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में ही NDPS एक्ट की धारा 8/20 में मैंने बेल कराई है, वो भी सेशन से। हाई कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई, सेशन से बेल हो गई थी, हाई कोर्ट तो ऐसे ही कर देगा। तो सेशन से बेल कैसे मिल जाती है 8/20 NDPS एक्ट में, अर्थात NDPS एक्ट में कोई भी अगर गांजा की बरामदगी है या चरस स्मैक की बरामदगी है, कोई नशीला पदार्थ है उसकी बरामदगी है, तो आपको सेशन से बेल कैसे मिलेगी। सेशन की बेल में सबसे अच्छा ग्राउंड होता है अगर आपके आपके पास से दिखाया गया है कि गांजा बरामद, तो सबसे पहले की जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास से कितनी क्वांटिटी बरामद हुई है। जैसे मान लेते हैं 3 बोरी गांजा बरामद हुआ है, अक्सर लोग दिखाते हैं कि 3 बोरी गांजा बरामद, लेकिन जो सैंपल भेजा गया, नमूना जो भेजा गया, उसमें 1 बोरी से निकाल के भेज दिया गया, ये हाई कोर्ट तुरंत मान लेगा इसको हाई, अब भाई 3 बोरी है तो फिर बेल सेशन नहीं देगा, हाई कोर्ट से ही होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अच्छा ग्राउंड होता है, उसमें देखिए आपकी 3 बोरियों में से निकाल के भेजा गया है सैंपल जांच के लिए कि सिर्फ 1 बोरी से निकाल के भेजा गया है, नंबर 1 ग्राउंड। नंबर 2 क्या है कि धारा 52 और 54 NDPS एक्ट की धारा 52-54 का अनुपालन किया गया है कि नहीं, कहने का ये मतलब है किसी भी दरोगा के पास ये पावर नहीं होती है कि उस बोरी में है क्या, उस बोरी में गांजा है, अफीम है, चरस है, क्या है, नशीला पदार्थ है, उसकी जांच कोई भी दरोगा नहीं कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर। तीसरा ग्राउंड मैं बताने चल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जो पुलिस वाले अक्सर सहमति पत्र देते हैं कि हमने अभियुक्त से सहमति पत्र बनवाया जो तब इसकी जांच किया, इस थैले की, बोरी की, जो भी है, जैसा भी बरामद हुआ है, तो इस थैली की जांच हमने या इस पन्नी की जांच या इस बैग की जांच हमने अभियुक्त की सहमति से किया, तो उसमें क्या होता है कि अभियुक्त तो सहमति नहीं देता है, बस पुलिस वाले सहमति पत्र बनवा के उस पर साइन करा लेते हैं, बस यही बात है। तो उस बेल में आप ये बात जरूर रखें कि मुझसे कोई सहमति नहीं लिया गया, ये हमसे जबरन मार पीट के या प्रताड़ित करके हमारा अंगूठा लगा दिया गया, या हमसे साइन करा लिया गया, या ये कह के साइन करा लिया गया कि हम इस पे साइन कर दो और तुमको जेल से, अरे सॉरी, थाने से छोड़ दिया जाएगा, तुमको जेल नहीं भेजा जाएगा, इस गलतफहमी में। चौथा जो जबरदस्त ग्राउंड होता है, अगर आपको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया तो मेडिकल में प्रूफ है अगर, तो आप सीधे जब रिमांड होने लगे तो तुरंत आप मजिस्ट्रेट से अर्थात जज साहब से ये कह दीजिए कि साहब हमें ये जुर्म कबूलने के लिए मारा गया, पीटा गया, उसके निशान ये है, अगर निशान है तो दिखा दीजिए, मेडिकल में प्रूफ है, तो समझिए कि वहाँ से दरोगा का काम ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि दरोगा तुरंत सस्पेंड भी कर दिया जाए, अब वो आपका अच्छा से अच्छा ग्राउंड हो जाएगा बेल का। अगर लगभग 1.5 किलो तक या 4 किलो तक, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में 10-10 किलो तक की बेल सेशन दे देता है गांजा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी बेल नहीं हो पा रही, अगर आप NDPS एक्ट के किसी भी धारा के मुकदमे में बहुत दिन से जेल में हैं, आपके जानने वाले हैं, भाई हैं, कोई भी घर का हो, परिवार का हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति
अगर लंबे समय से लंबी क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में बरामदगी के साथ जेल में है तो दिए गए नंबरों पे फ्री में बात कर सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं, या अगर आपका मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में पेंडिंग है तो उसके संबंध में भी आप बात कर सकते हैं।